ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 अध्याय 1 श्लोक संख्या 22। वंद्यक्षय कैतवैश चौर्य गर्हिताम वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिर् यातयामास देहिनः। वंद्यक्षय कैतवैश्चौर्य गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिर् यातयामास देहिनः। वंद्यक्षयकैतवैश्चौर्य गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिः यातयामास देहिनः। वंद्यक्षयकैतवैश्चौर्य गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिः यातयामास देहिनः। विव्रतम् कुटुम्बम् अशुचिः। गन्धस्य कैतवैश्चौर्ये गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बम् अशुचिः। माताजी वंद्यक्षय कैतवैश्चौर्ये गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः यातयामास देहिनः। शब्दार्थ एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की बंदी अक्षय व्यर्थ ही बंदी बनाकर कैतवय जुआ खेलने या पासा फेंकने में धोखा देकर चौर्य चोरी करके गर्हिताम निंदनीय वृत्तिम पेशों में आस्थितः जिसने अपना रखा है वेश्या की संगति के कारण विव्रत पालन करते हुए कुटुंबम आश्रित पत्नी तथा बच्चों को अशुचि अत्यंत पापी होने से यातयाम आस कष्ट पहुंचाता था देहिनः अन्य जीवों को। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर
उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। कृपया मेरे पीछे दोहराएंगे, यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर, उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूट कर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। तात्पर्य, यह श्लोक संकेत करता है कि वैश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से ही मनुष्य कितना पतित हो जाता है। सती या उच्च कुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संभव नहीं है, ऐसा केवल कुलटा शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वेश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है उतना ही अधिक प्रोत्साहन ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को मिलता है। इसलिए हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत है, जिसके बाद मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। वस्तुतः इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह संभव है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये गर्हित आदतें धीरे धीरे अरुचिकर बन जाती हैं। किंतु यदि समाज में अवैध यौन के बढ़ाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब वह धूर्तों, चोरों, ठगों इत्यादि से भर जाएगा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा महेयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर, उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। अनुवाद और तात्पर्य में दिया गया सामग्री काफ़ी कठिन मेरे लिए, क्योंकि यह जो विषय है
ये विषयों से दूर लोगों के लिए है। जब श्री राधा मदन मोहन श्री कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की जगत गुरुशील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम स्कंध एक में जब शौनकादिक ऋषि सूत गोस्वामी से भागवतम पर जानना चाहते हैं भगवान की लीलाएं, तो उन्होंने सूत गोस्वामी से शौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ। दो विशेषताएं रखी है, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि, ये जो ग्रंथ और शास्त्र में के मर्म को जानने वाले, हाँ, पंडित इतिहास को जानने वाले आप हैं, और साथ में लास्ट में बोला अनघ निष्पाप, ऐसे भक्तों के मुख से भागवतम प्रवचन सुनना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत आंदोलन और ये प्रभुपाद द्वारा प्रतिपादित ये मार्ग जो है, इसकी विशेषता यही है कि यदि कोई बहुत भक्त नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन इसमें उसको इस मार्ग पर धीरे धीरे प्रशिक्षित किया जाता है। हमारे भक्त लोग, जबकि मुझे बहुत अच्छा भागवतम और शास्त्रों का बहुत बढ़िया ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी लगभग मास में एक प्रवचन क्लास जरूर मिलती है, तो यही हमारी आत्मशुद्धि के लिए है। निश्चित भगवान की कथाएं जरूर हमारे लिए इस मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर। इसमें दिया है, यह पतित ब्राह्मण अजामिल अन्यों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस तरह से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। अजामिल के जो कृत्य है इसमें जो दिए वर्णन किए गए हैं, इसमें से बहुत सारे हम देखेंगे। भगवत गीता प्रथम अध्याय का 36 नंबर श्लोक के में जो दिया है, पापमेवा श्रेयदस्मान अन्यते आतताइना, आतताइयों की सूची दिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में, है ना, उसमें इस तरह के आतताई उनका वर्णन हुआ है। और भगवत गीता 16वां अध्याय 7 नंबर श्लोक में बोला क्या है, ना शौचम नापि चाचारो प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा ना जना विदुरासुरा ना शौचम नापि चाचारो सत न सत्यम तेषु विद्यते। ऐसे लोगों में अशुचि होती है, शुचि मतलब पवित्रता नहीं होती है, ना शौचम ना पीचाचारो सदाचारण नहीं होता, ना शौचम ना पीचाचारो ना सत्यम सत्यता नहीं होती है। और किस तरह का विचार होता है, अगला श्लोक 8वां श्लोक में, असत्यम च प्रतिष्ठम च जगदाहुर नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। हाँ, वो ईश्वर ईश्वर से ये संसार है इस और ब्रह्मांड है और ये रचना है, भगवान पर आश्रित है, भगवान इसका स्वामी है, ऐसा करके नहीं मानते। निरंतर गर्हित कर्मों में लगे हुए व्यक्ति आसुरी स्वभाव वाले वो ये नहीं मानते कि इसका भगवान है। वो कहते हैं अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम, अरे कामेच्छा से उत्पन्न हुआ संसार है और कैसे होगा, किमन्यत काम हेतुकम। ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण का वर्णन उसमें हुआ है। आगे, चिंताम अपरिमेयम च, अनेक तरह की चिंताओं में, किस लिए, प्रलयान तामुपाश्रितः, अंतिम समय तक के लिए, कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, ऐसा उनका कहना है। कैसा, कामोपभोग, सबसे बढ़िया सबसे श्रेष्ठ काम है कामोपभोग,
इंद्रियों को तुष्ट करते रहना, उनका ऐसा विचार है ना। ये आसुरी स्वभाव के लोगों का कौन सा 16वां अध्याय में जो वर्णन हुआ है दैवी आसुरी गुण जो बताए हैं उसमें 16वें अध्याय का 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक, आशा पाश शतरबद्धम। इन किन किन आशाओं में किन कैसी आशाएं बांधे रहते हैं? आशा पाश शतरबद्धम काम क्रोध परायण इहंते काम भोगार्थम अन्य न्यार्थ संचयन। ये अर्थ संचय किस लिए करना है? हैं, कामोपभोग पर, काम और के लिए उसको श्रेष्ठता प्रदान करते हुए, उसको जीवन में आचरण में लाते हुए, उसके लिए हम कितना अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ईश्वरो हम अहम भोगी शुद्धो हम बलवान सुखी। फिर मैं क्या करूँगा? हाँ, ईश्वर मैं सिद्ध, मैं बलवान। इस तरह से फिर और अगला श्लोक 16वें नंबर का 16वें नंबर श्लोक, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेशु, जो यत नरक में ले जाने का रास्ता, नरक में ले जाने के लिए ये जो अनेक चित्त, इनका जो बुद्धि है वो ऐसे अनेक तरह कामोपभोग इच्छाओं के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, वासना पूर्ति के लिए ये हमेशा ऐसे प्लानिंग योजनाएं बनाते रहते हैं। अर्थात भक्तगण रोज योजनाएं बनाते हैं कि हम लोग जगन्नाथ उत्सव कैसे मनाएंगे, कैसे बढ़िया से स्नान यात्रा महोत्सव मनाएंगे, कैसे नौका विहार करेंगे, कैसे, भक्त लोगों का ये प्लानिंग रहती है, योजना बनी रहती है। और आसुरी स्वभाव वालों के लिए ये कामोपभोग परमा। तो अनेक चित्त विभ्रांता, अनेक तरह से इनका चित्त जो है इसमें लगा हुआ था। फिर आखिरी में इसका रिजल्ट क्या होता है? पतंती नरक है सोचो, इनको नरक आदि जो अभी हम लोग पिछले स्कंद में अंतिम अध्याय में पढ़े ना, नरकीय लोगों का वर्णन 28 तरह के, यमराज कहते हैं यहाँ उनको हम आतिथ्य देते हैं। यमराज यमदूतों से कहते हैं कि ऐसे लोगों को यहाँ पर लेकर आओ। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस न स्मृति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानान वध्यमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम, जिसकी जिह्वा भगवान के गुणों का उच्चारण नहीं करती, वाचन नहीं करती। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतस न स्मृति यच्चरणारविंदम, चेतना जिसकी भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करती लगातार। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, नाम उन्हें स्पष्ट कर दिया और किसी को नहीं। कृष्णाय नो नमति, जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता। तानान वध्यम असतो कृत विष्णु कृत्यान, ऐसे विष्णु के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको पूरा जो नहीं करते उनको यहाँ पर लेकर आओ, यमदूतों से कहा। इसमें आगे वर्णन आएगा जामिल को, जब दोनों के बीच में संघर्ष होता है, किसके, यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में। उसके बाद में जब वो जाकर ये सब बात करते हैं यमदूत यमराज से, तो फिर उनको समझाते हैं कि ऐसे भगवान के भक्तों को नहीं स्पर्श करना है, लेकिन ऐसे जो है जो विष्णु के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं उनको उठा कर लाओ, हम यहाँ पर उनका सेवा करें। हाँ, जो भी है। तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा श्री उपदेशामृत में 6 प्रकार के वेग का वर्णन हुआ। क्या है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो कठिन तो सभी है, सभी का साधना, सभी का दमन करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है ना। लेकिन बहुत संघर्ष इंसान कर रहा है उदर उपस्थ वेगम, बहुत इसके साथ में संघर्ष होता, इसके लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, उपाय क्या है? क्योंकि वो बताया चिंताम अपरिमेयम च प्रलयान ताम उपाश्रिता, प्रलय अंतिम जीवन के अंतिम घड़ी तक तो हम किस लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के उपाय ढूंढ रहे हैं, उस पर योजनाएं बना रहे हैं। प्रलयान ताम उपाश्रिता अंतिम समय तक, हाँ ऐसे लोग अंतिम समय तक तो अपने जीवन में इन चीज़ों के प्रति हम कैसे और इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं
कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैधों से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत है। इसके बाद मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। वस्तुतः इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह संभव है। उपाय प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि इसमें और भी दिया कि समाज वैश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है उतना ही अधिक प्रोत्साहन ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को मिलता है। ये हम लोग बहुत देख रहे हैं ना, इस तरह की व्यवस्थाएं चूंकि उपलब्ध है इसलिए इस तरह के लोग उपलब्ध है ना, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उसका उपाय क्या बताया, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो लोग धीरे कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे उनको तो ये जो है इसके लिए बहुत कठिनाई है, उधर उपस्थ के वेग को रोकना बड़ा मुश्किल है, तभी क्या किया जाए। तो हमारे शास्त्रों ने बोला कि इनका वेग रोकना मुश्किल है, तो ऋषि कहना ऋषि के सेवनम, या तो अपनी इंद्रियों को जो है इंद्रिय के स्वामी भगवान उनमें लगा दिया जाए तो नहीं हो पाएगा। हमारे यहाँ मदन मोहन को विराजमान कर दिया, मदन मोहन है, उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, छय वेग दमी छय दोष शोधी छय गुण देह दास, प्रार्थना करें तब भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये भी नहीं हो सकता है तो फिर वही है अनेक चित्त विभ्रांत और लास्ट में पतंती नरकेशोचो, फिर व्यवस्था है ना। हाँ, 14वां अध्याय भगवत गीता का, उसका 18 नंबर श्लोक क्या है, ऊर्ध्वगम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामस। हाँ, नीचे की ओर ले जा रहे हैं, फिर अब जब आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये रास्ता है। हाँ, क्योंकि वासनाएं और सद्गुण दोनों ही स्वअवसर पाकर फलते फूलते हैं। ये अवसर जैसे ही मिलेगा, हम ऐसे बाहर से देखने में कभी कभी हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम विरक्ति अच्छी तरीके से आ गई है अभी, क्योंकि सुबह की मंगल आरती नियमित रूप से अटेंड करना, सारा कार्यक्रम अच्छे से कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ खाने पीने के प्रति लालच नहीं है, बाहरी वस्तुओं के प्रति भी बहुत ज़्यादा, मन से कभी हम अपना परिमाप ऐसे कर लेते हैं कि अब विरक्ति बढ़ रही है। सबका नहीं बोल रहा, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, ऐसे कभी कभी लगने लगता है कि वाह अब मैं विरक्त पुरुष धीरे धीरे बन रहा हूँ, लेकिन अवसर चूंकि नहीं है उपलब्ध, जब भी परीक्षा उस घड़ी है, जैसे कि हरिदास ठाकुर के पास में उनकी कुटी, भजन कुटी के पास में आकर गणिका बैठ गई ना, वैश्य आकर बैठ गई, तो परीक्षा की घड़ी तब है, फिर भी उससे वो निर्लिप्त है, है ना। अवसर मिल गए लेकिन उसका उसका उसमें फंस नहीं रहे हैं। तो अभी बहुत ऐसे भक्तों के उदाहरण देखते हैं हम, प्रहलाद महाराज को देखिए, नरसिंह देव भगवान का इतना उन्होंने स्तुति किया लास्ट में, जब हिरण्यकश्यपु का वध हो गया तो उन्होंने जाके बहुत स्तुति किया, उनको आगे कर दिया सारे देवताओं ने कि आप ही अब थोड़ा कुछ करो तो इनका क्रोध शांत होगा, तो नरसिंह देव का स्तुति किया, नरसिंह देव प्रसन्न हो गए। नरसिंह देव ने बोला कि मांगो भाई, आप कुछ वर मांगो मेरे मुझसे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं वैसे ही आसुरी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, इस ऐसे वातावरण में रहा हूँ। हालांकि वो बहुत अच्छे भक्त हैं लेकिन उनकी विनम्रता है, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं इसमें अब कुछ नहीं, और आप मुझे इस तरह के से लालच मत दीजिए, ऐसा वर्णन आता है सातवें स्कंद में, इस तरह का लालच मत दीजिए, मैं इसमें मत मुझे फंसाइए। फिर भी नरसिंह देव भगवान ने उनको एक मन्वंतर तक भौतिक भोग के लिए राज्य करने दिया, तुम भौतिक भोग करोगे, लेकिन इनसे पद्मपत्र विवाम भसा, ऐसे आशाएं तुम्हारी ऐसी इच्छाएं रहेंगी, पद्मपत्र जैसे कमल के पत्ते पर पानी ठहरता नहीं, उसके ऊपर उनका कोई असर नहीं होता, ऐसे तुम यहाँ पर राज्य सुख भोग करोगे। लेकिन तो ये उदाहरण ऐसे बहुत सारे हैं। भरत जी, रामचंद्र जी के भाई भरत जी, जो ऋषभ देव के पुत्र भरत,
है ना, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई लेकिन फिर वापस मार्ग पर लौटा है ना। ले भरत जी रामचंद्र जी के भाई पूरा राज्य पाठ भोग सकते थे, माँ ने पूरा लाइन क्लियर कर दिया कैकेयी माता जी ने, हाँ पूरा एकदम बना दिया। और बोली भी कि बेटा तुम अच्छा आ गए ननिहाल से, जैसे ही भरत जी लौटे शत्रुघ्न जी लौटे बोले तुम आ गए अब ठीक है अब सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ा क्या है तुम्हारे पिताजी का देहावसान हो गया, नहीं तो सारी व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी चाक चौबंद कर दी थी। हाँ तो वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने बोला कि आपको तो बांझ हो जाना था, जो भगवान के मार्ग से मुझे छुड़ा रहा है उसको तो इससे अच्छा है कि वो बांझ हो जाए, आपको बांझ हो जाना था, मुझे आपने उत्पन्न, मैं एक कारण बना अपने पिता की मृत्यु का, मैं एक कारण बना, मेरे कारण मेरे बड़े भाई और भाभी दुखी होकर जंगल जंगल घूम रहे हैं, है ना। तो फिर रामचंद्र जी को मनाने के लिए गए, चित्रकूट गए, चित्रकूट से वापस भगवान ने अपनी पादुकाएं देकर विदा किया, तो पादुकाओं को सिंहासन पर बिठाकर राज्य सुख नहीं भोग रहे हैं। और फिर नंदीग्राम करके एक स्थान है, वहां पर जाकर एक कुटी बनाकर, क्योंकि मेरे भगवान इस तरह से रह रहे हैं, इसे ध्यान रखें कि क्या भोग्य है और क्या त्याज्य है। यहाँ पर ये वर्णन है, भोग्य क्या वस्तु है और क्या त्याज्य है, क्या चीज त्याज्य, क्या चीज हमको त्यागना है और क्या भोगने की वस्तु, वो तो भक्त लोग वो ग्रहण कर लेते हैं उन्होंने सामने के। और जैसे भगवान जिस वेशभूषा में रह रहे हैं तो वहां पर एक जन का बलिदान, एक जन की तपस्या नहीं है। यदि भरत जी वहां पर इस तरह से रह रहे हैं तो उनकी पत्नी यहाँ मांडवी भी तो रह रही होंगी। लक्ष्मण जी जब राम सीता जा रहे थे, जाने देते, लेकिन हाँ वो साथ में हो गए, हाँ, और सारा कुछ छोड़कर उनकी पत्नी और मिला थी उनको यहाँ पर छोड़कर गए, उन्होंने भी तो अनुनय विनय किया होगा तो नहीं, क्योंकि मैं भगवान की सेवा के लिए वहां पर जा रहा हूँ, हाँ, तो वहां पर ये चीज मुझे बाधा उत्पन्न करेगी, कुछ तो मुझे कुछ हिस्सा समय का तो तुम्हें देना पड़ेगा। एक भक्त यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन कर रहे थे यहाँ एक बार प्रवचन में कि ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आ जाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोगों को धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, पीछे जाने का नहीं, क्योंकि जैसे पुराने जमाने में कोयला के इंजन चलते थे तो उसमें बताया ना वो भाप की शक्ति का पता लगा, है ना, जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का पता लगा, तो वो भाप की शक्ति मतलब वो जब 100 डिग्री पर उबलता है पानी और भाप तैयार होती है तो वो इंजन आगे बढ़ता है, मतलब उन्होंने कहा कि 99.99 डिग्री तक गड़बड़ी हो जाती है ना। भरत महाराज उदाहरण है, देखो थोड़ा सा हिरण में आ गए, बाकी तो पूरा भगवान की सेवा कर रहे थे, घर पूरा परिवार सब कुछ मलवत त्याग कर आ गए, इतना सुंदर स्त्री घर परिवार सब कुछ त्याग, थोड़ी गड़बड़ी तो 99.99% ये प्रतिशत, इतने में भी कमी है थोड़ी तो 100% लगाना है वहाँ, तो उन्होंने वहाँ पर सबको हाथ जोड़कर सबसे भगवान का साथ ले लिया लक्ष्मण जी ने। और 14 वर्षों तक, देखिए गुरु महाराज पिछले समय में रामकथा के ऊपर से जब बोले उन्होंने तो उसका वर्णन किया कि 14 वर्षों तक नींद अन्न अरु स्त्री तीन चीजें उनको छोड़ कर रहे, खाया भी नहीं सोए भी नहीं, तब जाकर यह है इंद्रियों का दमन, ये है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, है ना। तो उदाहरण हम लोग को भगवान ने भी दिए, भगवान के भक्तों ने भी दिए, तीनों जब उनके पास में ये विशेष गुण थे इसलिए मेघनाद को ऐसा वरदान था कि ये इसके पास में ये गुण होंगे, हाँ 14 वर्ष तक जो नींद स्त्री और भोजन त्याग कर देगा वही तुमको मार सकेगा। तो सोचा ऐसे तो कोई होगा नहीं, आसुरी स्वभाव वाले तो ये सोचते हैं जैसे हिरण्यकश्यप, हाँ वो तो कौन ऐसा होगा कौन मुझे मार सकता है, तो उन्होंने देखा, जानते नहीं कि अभी भगवान की व्यवस्था में क्या क्या हो सकता है। लक्ष्मण जी ने इस तरह करके दिखाया और मेघनाद को मारने का कारण लक्ष्मण जी बने, है ना। तो मैं ऐसे बता रहा था कि अवसर जब आपको उपयुक्त अवसर मिलते हैं तो ये चीजें अंकुरित होती है, है ना, बढ़ती है धीरे धीरे। जैसे हमारे यहाँ भक्तिलता बीज का उदाहरण देते हैं, भाई बीज लगाते हैं उसको फिर बराबर सिंचन करते हैं हरि नाम से, सत्संग से, श्रवण कीर्तन, भक्तों के संग से उसको सुरक्षित करते हैं, बाड़ी लगाते हैं, है ना, खरपतवार उसके हमारे जो अनर्थ है उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, हाँ अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचते हैं, तो फिर वो भक्ति लता बीज उलाता है, अवसर मिलता है, अवसर मिलने से ही कामेच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हाँ
अभी सौभरी मुनि तो जल के ही अंदर चले गए, पानी के अंदर। मैं तपस्या करूं, यहाँ पर बाहर का वातावरण बड़ा शोरमय है, यहाँ पर गड़बड़ी हो सकती है, पानी के अंदर तो कुछ नहीं होगा, पानी के अंदर चलेगा। तो वहां पर उनको मछली संग करते हुए देख लिए, तुरंत वहां से बाहर निकलकर मानधाता के पास में जाकर प्रस्ताव रख दिया, आपकी लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, आपकी किसी एक कन्या से मैं शादी करना चाहता हूँ। मानधाता ने सोचा कि साधु बाबा है, कभी श्राप दे देंगे मना करने से। सीधा सीधा उन्होंने कहा, यह अधिकार तो मैंने लड़कियों को, कन्याओं को दे रखा है, उसमें से जो कन्या स्वयं का वर स्वयंवर में चयन करेगी उसके साथ उसका विवाह हो सकता है महाराज। तो उन्होंने कहा, मैं तो ऐसा सफ़ेद बाल हो गए, आधे दांत है आधे नहीं, शरीर इस तरह का हो गया, वृद्ध शरीर है, तो तरुण लोगों को पसंद करेंगी, तरुणी कन्याएं हैं, तो मेरे तो उन्होंने अपनी जितनी योग शक्ति है उसको अपने शरीर को सुंदर बनाने में, और फिर जाकर उनकी कन्याओं से विवाह कर लिया, विवाह करके लाए। लेकिन फिर एक दिन उनको ऐसे ध्यान आया कि जब भोग काल बहुत बढ़ गया, भोग समय बहुत चला गया, उसके बाद उनको ध्यान आया कि मैंने क्या किया है, ये मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय और जितनी मैंने साधना शक्ति थी मैंने अपने इन भोग इच्छाओं में लगा दी इससे। लेकिन मुझे आज भी उसी तरह से जैसे कि अग्नि में घी डालने जैसे हमारी कामाक्षाएं तो अभी भी तुष्ट नहीं हो रही, उनकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, वो तो और बढ़ती है। ययाति महाराज, महाराज ययाति भी उदाहरण है, नवे स्कंद में दोनों का वर्णन है ना प्रभु। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। महाराज ययाति ने भी, शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि भाई तुम वृद्ध हो जाओ, तुमने छल किया हमारी कन्या के साथ, तुम वृद्ध हो जाओगे, अभी इसी वक्त वृद्ध हो गए, अब बहुत हाथ पैर जोड़े, क्यों, कामेच्छाएं अभी पड़ी हैं अंदर सुसुप्त अवस्थ, ओ तो ये क्या करूं मैं, मुझे तो अभी बहुत टाइम हुआ नहीं परिवार के साथ में, एक अभी मेरे विषय भोग अभी बहुत हुआ नहीं, अभी मुझे क्षमा कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हारे अपना यौवन तुम्हें देना चाहेगा वो दे देगा, तो तुम फिर से वैसे हो जाओगे, युवा हो जाओगे। तो अपने पुत्रों को बुद्धि देखिए कैसी मारी जाती है, व्यसनों के पीछे भागने वाले व्यक्ति की बुद्धि कैसे मारी जाती है, उदाहरण है ययाति महाराज। उन्होंने अपने लड़कों के हाथ पर जोड़े, भाई मुझे अपना युवावस्था दे दो, लड़कों से मांग रहा, वो लड़कों ने मना कर दिया, बोले ये क्या है, अभी हमारे दिन है, अब तुम्हारे, तुम्हें ये वापस दे दें, नहीं ठीक नहीं। छोटा लड़का पुरु, उसने कहा कि चूंकि ये शरीर आपसे ही प्राप्त हुआ है और अपने पिता की इच्छा किसी भी तरीके से पूरी करना चाहिए, ठीक है दे दिया अपना युवावस्था। बहुत लंबा भोग जीवन का भोग लिए, उसके बाद उनको भी ध्यान में आया, हो ये मैंने क्या किया, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो यदि ऐसे भूल कर कहते ना, क्या है, सुबह का भूला शाम को लौट कर आ जाए, जैसे वो तो लौट कर आ गए, वो उनको बाद ध्यान आ गया, हो ये तो मैंने बहुत गड़बड़ कर दी। तो प्रभुपाद उदाहरण दे, सॉरी श्रील सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं सौभरी मुनि के प्रकरण में, वहाँ उदाहरण देते हैं कि जैसे पक्षियों के चूजे, पक्ष बच्चे होते हैं उनके जब धीरे धीरे पंख आना चालू होते हैं, जब पंख आ जाए तो वो उड़ जाते हैं वहाँ से, तो जैसे ही ये ज्ञान रूपी पंख हमारे फैलने लगे, आ जाए समझ में आ जाए, अब वैसे ही इंद्रिय भोगों से धीरे 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 हटना चाहिए, उड़ान भर देनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर ये उदाहरण दिया है, हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इसमें तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने का, तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कूदने का प्रयास करें जाएं, है ना, और वही कि उसमें अपना जितना अधिक से अधिक समय लगाया है, क्योंकि 100% तक तो ले जाना है ना, तो उसको तो धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा, पीछे आने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत ग्रंथों ने उदाहरण यहाँ भरे पड़े हैं, और अभी हम लोग सिर्फ छठे स्कंद तक आए, तभी हम कितने भक्तों की, पुरंजन जैसे राजाओं की कहानी सुन चुके हैं, है ना, उनने भी पूरा अपना जीवन सब कुछ इसी में लगा दिया, पुरंजनी के साथ में, और फिर और गड़बड़ी क्या हुई कि पुरंजनी का ध्यान करते करते हुए देह छोड़ी तो स्त्री का शरीर मिला अगला जन्म। तो ऐसे क्या है कि अवसर मिला, तो अवसर जब हमको भगवान, ये तो ऐसे भक्तों का संग मिल गया तो नहीं मिलता, ये अवसर प्राप्त हो गया, अवसर प्राप्त हो गया तो हम उसको धीरे धीरे उस पौधे को लहने दें। कभी बार 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 हमको ऐसे ध्यान में आ जाता है कि क्या वाकई मैं यहाँ पर आकर बहुत परिवर्तन हो गया,
अब मैं सुरक्षित, अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, अब मुझे ये चीज़ें नहीं सताएंगी, ऐसा लगने लगता है। हाँ, कभी लगता है कि वो एक भजन है ना, ये कुले वो कुले दोई दिलो तिलांजलि, ना तिलांजलि, इस कुल को उस कुल को सबको तिलांजलि देकर आ गया, सब पूरा मुक्त हो गया, अब मैं कृष्ण की शरण में हूँ, अब मुझे ये चीज़ें परेशान नहीं करता। तो यहाँ हमारे लिए तो कम से कम सावधानी की आवश्यकता है, हमें भक्तों के संग की आवश्यकता है, अभी हम इतना दृढ़ नहीं है। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तयापहर्त चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो ये बुद्धि है इसमें जो लिप्त रहती है वो भगवान की भक्ति में अधिक दृढ़ नहीं होती है ना। ये चीज़ें हमारे लिए कभी भी अटैक कर सकती है बाहर का वातावरण, इसलिए सुरक्षित स्थान पर है जब तक हम भक्तों के बीच में हैं। जब तक हम नहीं मिलता तो हमारे को बता दिए भाई कभी मौका ऐसे आ भी जाए तो हमारे पास में भगवान प्रभुपाद का ये ग्रंथ होना चाहिए, है ना, जो हमारी निरंतर हमें सत्संग प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यह बहुत अच्छे अच्छे उपाय प्रभुपाद इसलिए हमको इसमें आने के लिए बोलते हैं, किंतु यदि समाज में अवैध यौन के बढ़ाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब यह धूर्तों चोरों ठगों इत्यादि से भर जाएगा। क्योंकि आज हम समाज में इतना संख्या इनकी देख रहे हैं, उसका कारण यही है कि ये इसको बढ़ावा मिल चुका है, है ना। तो क्या बोला कि भाई अब हम लोग विद्वत जन हैं, मतलब थोड़ा बहुत जो जान गए हैं कृष्ण भावनामृत के बारे में जान गए, तो इसलिए जाके दूसरों को बताना, ये सभी आप लोग जाते हैं, कोई इंदौर कोई भोपाल कोई यहाँ वहाँ जाके लोगों को वहाँ से खींचने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छा अवसर मुहैया करा रहे हैं, लो आओ और यहाँ पर। क्योंकि ये बात भी पक्की है कि ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, यदि ये इसमें ये नहीं होता था तो वास्तव में समाज को ये दिशा नहीं मिल रही। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो इस तरह के विचारधारा, इस तरह का शिक्षा हमें नहीं दे रहे। बहुत बड़े बड़े संस्थान बने, बहुत बड़े बड़े आयोजक प्रायोजक होते हैं, बहुत सारे आयोजन करते हैं, लेकिन इस तरह की शुद्ध भक्ति की शिक्षा कहीं नहीं दी जा रही। तो हमें कम से कम अवसर मिला तो हम लाभ उठाएं, हम कम से कम पीछे ना जाएं, ऐसा प्रयास करें। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, दरअसल इनको मुझे भी सदाचरण में लाना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के सानिध्य में रह रहकर कुछ ना कुछ यह लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। तो आगे भी मुझे इस तरह का संग प्रदान, ऐसी कृपा प्रदान करिए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए कि मैं इसमें लगा रहूँ। शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई इसमें संशोधन हो, जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो स्वागत। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगतगुरु शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे।